दोस्तों, आजकल अनिद्रा यानी कि नींद न आने की समस्या से बहुत से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या, आप सभी जानते हैं, जब हमें नींद नहीं आती है तो हम बहुत सी बीमारी के शिकार बन जाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग तो सो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो करवटें बदलते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, यहाँ तक कि नींद आना, लेकिन बार बार नींद खुलना, रात में कई बार नींद का खुलना, नींद का टूटना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। आप इससे बीमारी की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, जब हम अच्छे से सो पाएँ, जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी 6 या 8 घंटे की नींद पूरी कर जब आप उठते हैं तो आपका काम में मन लगता है, आप अच्छे से काम करते हैं, अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, यहाँ तक कि आपके सभी काम अच्छे से होते हैं। सेकंड है दोस्तों, अगर आप अच्छे से नहीं सो पाते, यानी कि रात में अगर आप अच्छे से नहीं सो पाते हैं, तो जब आप सुबह उठते हैं तो आप चिड़चिड़ा सापन आपको महसूस होने लगता है, आपको कई बीमारियां होने लगती, जैसे कि दोस्तों, आँखों में सूजन आना, आँखों के नीचे काले घेरे आपको हो जाते हैं, मोटापा बढ़ना, उसके बाद में दोस्तों आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप अच्छे से नहीं सो पाते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार धीरे धीरे कर बनने लगते हैं, यानी कि बीमारियाँ आपके पास आकर्षित होने लगती है। आप जब सुबह उठते हैं तो अपने काम में मन न लगना, काम का खराब होना, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दिन भर परेशान होते हैं, और रात को जब नींद नहीं आती है, जब आपको रात को नींद नहीं आती है तो आप सोचते हैं किसी ना किसी प्रकार का एक उपाय करने के बारे में। बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर आपको जो नींद की गोलियां होता है उन्हें आपको दे देता है, लेकिन दोस्तों जब आप उन टैबलेट्स को लेते हैं आपको नींद तो आएगी, लेकिन वही दोस्तों वो ताजगी आपको महसूस नहीं होगी। जो टैबलेट लेकर आप अगर आप सोकर सुबह उठते हैं तो वह ताजगी और फ्रेशनेस आपको महसूस नहीं होगी। सेकेंड है दोस्तों, आप उसके आदी हो जाएंगे उस पर, यानी कि आप निर्भर होंगे, यानी कि जब तक आप गोली का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको एक दिन भी नींद नहीं आएगी। तो यानी कि आप दोस्तों धीरे धीरे कर और ज़्यादा उसके शिकार होते चले जाएंगे, यानी कि जो टैबलेट होती है रोज़ उसका सेवन करना आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक महसूस हो सकता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कैसे आप घर पर एक रेमेडी, एक आयुर्वेदिक नुस्खा आप तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो नींद आने की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिले। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दूसरा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप लाइक करते हमारा मनोबल बढ़ता है, और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपको करना क्या है दोस्तों। खसखस, खसखस का इस्तेमाल आपको करना है, मार्केट में आपको खसखस यानी मिल जाएगी, आपको करना क्या है आइए जानते हैं दोस्तों। खसखस, सेकंड है दोस्तों सौंफ, आप सभी के घर में होगी, इलायची और दूध, जी हाँ दोस्तों, और आप एक चीज़ और यानी कि वो जो जायफल होता है वो आप ले लीजिए, आपको मार्केट में जायफल मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है आइए जानते हैं दोस्तों। रोज़ाना आपको सोने से आधा घंटा पहले ये दूध हम जो बता रहे हैं वो आपको बनाकर पीना है, ऐसा करने से आपकी नींद न आने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अब दोस्तों एक गिलास दूध ले लीजिए, उसे आप बॉईल करने के लिए रख दीजिए। अब आपको करना क्या है दोस्तों आइए जानते हैं। 4 से 5 आप 2 से 3 दिन का पाउडर बनाकर रख सकते हैं, फिर उसे रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रोज़ नया दूध बनाकर पीना है तो दोस्तों आपको करना क्या है 4 से 5 चम्मच आप खसखस के बीजे ले, मतलब एक मिक्सी में ले लीजिए, और 2 चम्मच आप दोस्तों सौंफ ले लीजिए, 2 से 3 इलायची ले लीजिए। वहीं दोस्तों आपको करना क्या है, 2 जायफल लेना है, 1 जायफल को आप घिस लीजिए। सेकंड है दोस्तों 8 से 12 बादाम जो होते हैं बादाम ले लीजिए, इन सभी का आप अच्छे से चूर्ण यानी कि मिक्सर में आप इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद रोज़ रात को 1 गिलास में 1 चम्मच आप उसे डाल दीजिए। आप मिठास के लिए दोस्तों आपको चीनी नहीं डालनी, आप चाहें तो मिश्री डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। फिर इस दूध को छानकर अगर आप रोज़ाना पीते हैं, रोज़ाना सेवन करते हैं, नींद न आने की समस्या से आपको बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। एक आयुर्वेदिक नुस्खा है
बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।